माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी अर्थात धरित्री आमर माता आउ आमे तार संतान। मा और पुत्रर एक प्राकृतिक सेतु हेउछि प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया रे जीवामृत जीवामृत आसंतु जानिबा जीवामृत किभळी प्रस्तुत करा जाए। परीक्षा करी जणा जायछि 10 किलोग्राम गोबर सहित गोमूत्र गुड़ बेसन बा अन्य डालीर अटा आदि मिसाई जदि एहार प्रयोग करा जाए ताहाले चमत्कारिक परिणाम मिलिथाय। एहार नाम जीवामृत रखा जायछि। जीवामृत प्रस्तुत निमन्ते सामग्री गुड़िक हेउछि 10 किलो देसी गाई गोबर 8-10 लिटर देसी गाईर मूत्र 1.5-2 किलोग्राम गुड़ 1.5-2 किलोग्राम बेसन 180 लिटर पानी कौनसी गछ तलर मुठाए माटी। सहजरे मिली पारुथुबा एही सामग्री गुड़िकरु जीवामृत तयारी करिबा मध्य एते सहज जे जे कौनसी चासी भाई एहाकु प्रस्तुत करिपारिबे। प्रथमे गोबर गुड़िकु पानी अथवा गोमूत्र रे गोळी चकटी तरल मिश्रण तयारी करि नियंतु। तापरे एहाकु एक ड्रम रे पकाई बाड़ी साहाज्य रे भलो करि मिसांतु। दुई दिन पर्यंत एहाकु छाई रे रखि दियंतु। प्रतिदिन सकाळ संध्या रे जीवामृत को भलो भाबरे बाड़ी साहाज्य रे गोळंतु एवं ढांकी दियंतु। ए जीवामृत को खेतरे पकाइले जमीरे जीवाणु मानंकर संख्या अविश्वसनीय भावरे बढ़ी थाए तथा भूमिर रासायनिक एवं जैविक गुणरे वृद्धि होई थाए। एही जीवामृत को मासकु थरे किंबा दुई थर 200 लिटर पानी रे मिसाई जमीरे पकांतु। फलवृक्ष निकटरे दुईपहर परे गोलाकार भावरे जीवामृत मासकु थरे किंबा दुई थर पकांतु। प्रति गछ पिछा 2-5 लिटर पर्यंत एहाकु व्यवहार करंतु। एथिरे माटी नरम हुए एवं उर्वरता वृद्धि पाइथाय। एथि जोगु कृषकंक मित्र कुहा जाउथुबा जियामानंक संख्या मध्य बढ़िथाय। प्राकृतिक कृषि रे गभीर चाष दरकार हुए नाही। केवल एतिकि नुहे प्राकृतिक कृषि भूमिगत जलस्तर मध्य बढ़ाइथाय। ए प्रणाली रे मुख्य फसल सहित सहयोगी फसल मध्य अमल करा जाइथाय। जीवामृतर सुखा जाइथिबा स्वरूप हैला घन जीवामृत जहाँ फसल बुणीबा पूर्वरु जमीरे मिसा जाइथाय। खरारे सुखा जाइथिबा 200 किलो गोबररे ताजा तयारी 20 लिटर जीवामृत मिसाई दुई दिन छाईरे सुखाई दिया जाए। तापरे पुणी थरे खरारे सुखाई छाणी दिया जाए। एहा हेउछि घन जीवामृत जहाँकु एक एकर जमीरे प्रयोग करा जाय पारे। प्राकृतिक कृषिर एक आवश्यक उपादान हैला बीजामृत। बीजामृत मंजी को कीटपतंग दाउरु रक्षा करिबा सहित एहार अंकुरण क्षमता बहुत भावरे बढ़ाई थाए। देशी गाईर 5 किलोग्राम गोबर 5 लिटर गोमूत्र 50 ग्राम पानी रे गोळा होइथिबा चून एवं अल्प माटी को 20 लिटर पानी रे मिसाई बीजामृत प्रस्तुत करा जाए। एहाकु गोटिए राती रखिबा परे 100 किलोग्राम मंजीर संस्कार करा जाय थाए। एहार दिनक परे संस्कारित मंजीटी बुणा हेबा पई प्रस्तुत होई जाय थाए। आच्छादन प्राकृतिक कृषिर एक विशेष नियम। चाष जमीकु फसल अवशेष किंबा छोट समयर अंतह फसल द्वारा संपूर्ण आच्छादित करि दिया जाए। आच्छादन आर्द्रता को खरारु रक्षा करिथाय। एहा वातावरणरु आर्द्रता सृष्टि जमीर आवश्यकता मेंटाइथाय। जीवाणु मानंक गतिविधि वृद्धि करिथाय। घास लटा को नियंत्रित करिथाय एवं शेषरे विघटित होई जमीरु कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करि उर्वरता वृद्धि करिथाय। प्राकृतिक कृषि रे बापसा निर्माणर प्रक्रिया मध्य बेस महत्वपूर्ण जहाद्वारा भूमि रे आर्द्रता वायुर संतुलन बराबर रखा जाय थाए। प्राकृतिक कृषि केवल भूमि रो उर्वरता बढ़ाई न थाए बरं
कीट पतंग मानंको मध्य नियंत्रित करिथाए। कीट पतंग नियंत्रण रोकिबा निमन्ते स्थानीय भावे मिलुथुबा वृक्षलतार प्रयोग करि अग्नि अस्त्र प्रस्तुत करा जाए। 5 किलोग्राम निंब अथवा अन्य गछर पत्र जहाँ गाई गोरु खाई नथांती, 20 लिटर देशी गाईर मूत्र, 500 ग्राम तमाखु पाउडर, 500 ग्राम कंचा लंका, 50 ग्राम रसुण पेस्ट मिसाई घोड़े रखी एहाकु हालुका नियारे सीझा जाए। ताकु 48 घंटा घोड़े रखी सकाळ संध्या अल्प समय पई खोलंतु। एही तरल पदार्थ 6 लिटर को 200 लिटर पानी रे मिसाई 1 एकर जमी रे स्प्रे करि दियंतु। कीट पतंगंक उपद्रवरु रक्षा निमन्ते जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी आदि प्रयोग करा जाय थाए। प्राकृतिक कृषि द्वारा देशरे नूतन शक्तिर संचार होइछि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे वर्तमान कृषि दिशा और दशा पाई माननीय प्रधानमंत्री आह्वान अति महत्वपूर्ण। देशर लक्ष लक्ष कृषक यहाँ आपण प्रमाणित करिछंती। गुजरातर डांग जिला संपूर्ण प्राकृतिक कृषि भित्तिक जिला घोषित हो सारी। देशर अनेक गाँ आज ए परिवर्तन दिगरे अग्रसर, कारण एथिजोगु कृषक मानक जीवन रे उन्नति आसी। मोर नाम सत्या, मोर 150 टी सेव गछ अछि, एहाको प्राकृतिक कृषि रे करूछि। दोकानु विषाक्त औषध आनी स्प्रे कले अधिक खर्चांत हेउथिलु, पैसा भी बहुत लागुथिला। एबे प्राकृतिक कृषि द्वारा खर्च कम हेउछि, फल भी भलो आसुछि। एबे यूरिया भी पकाइबा दरकार नाही। आगरु 5,000 टंका खर्च हेउथिबा बेले एबे 500 टंका भी खर्च हेउ नाही। मो बगीचारे आरंभ करिछि एवं समस्तंको कहुछि एमिति करंतु, एमिति भलो फसल आसिले मनरे आनंद आसिब। प्राकृतिक कृषि को अपनेबा द्वारा फसल उत्पादन रे वृद्धि घटिछि, मृत्तिकार गुण रे सुधार आसिछि, धरित्री मां खुशी अछि, ताकू लागुछि जे चासी भाई तार भलो जत्न नेउछि, आउ सेथिपाई ताकू भलो खाद्य ओ भलो उत्पादन फेरेबा दरकार। एही कोविड काल रे लोके बुझि सारिलेनि जे आमे खाद्य पदार्थ शुद्ध हेले बंचि परिबा। उपभोक्ता माने बुझिलेनि जे प्राकृतिक उपाय रे उत्पादित फसल खाइबा, तेणु आमको भलो दी पैसा मिलि पारिछि। आमर पैसा भी बंचिला आउ समय भी, आमर पृथ्वी मातार स्वास्थ्य भलो होई पारुछि, आउ ता सहित आमर स्वास्थ्य भी भलो रहुछि। एमाने हित सही कृषक जे आत्मनिर्भरता बळरे गाँ गाँरे समृद्धि आणि पारिछन्ति, आउ निर्माण करुछन्ति आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारतर आत्मनिर्भर कृषकंक खुशी।